ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोला जाता है ए हाइड्रोकार्बन इज सेट टू बी सैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स ओनली सी सी सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो जैसे कि इथेन इथेन में दो कार्बन और छह हाइड्रोजन होते हैं दोनों कार्बन्स में सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अन हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स डेट कॉन्टेन एटलीस्ट अ सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इथीन में दो कार्बन होते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है प्रोपाइन तीन कार्बन से बना होता है जिसमें सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसलिए इन्हें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर ए स्पेशल क्लास ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऑन ए सिक्स कार्बन रिंग मोइटी कॉल्ड बेनजिन दे आर ऑल्सो रेफर टू एज अन्स और अराइल हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक कार्बनस वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिक्स कार्बनस की एक रिंग होती है इस रिंग में सिक्स कार्बनस के बीच में अल्टरनेटिव पोजीशंस में एक सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस तरह की रिंग्स को बेंजीन बोला जाता है जैसे कि फिनोल बैप्तलिन एनेलिन फिनोल एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इस रिंग में कार्बन्स के बीच में डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और साथ में एक फंक्शनल ग्रुप ओ एच लगा हुआ है नेक्स्ट इस एलीसाइक्ली कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलीसाइक् कंपाउंड्स। एलीसाइकली कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन्स एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन में तीन कार्बन्स होते हैं साइक्लोबोटेन में चार कार्बनस होते हैं साइक्लोहेक्सेन में सिक्स कार्बन्स होते हैं और साइक्लोहेक्सीन में सिक्स कार्बन्स होते हैं जिसमें पांच कार्बन्स सिंगल बोंड्स से जुड़े होते हैं और एक इसमें डबल बॉन्ड होता है साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग एटम्स आर ऑफ कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड हिट्रोसाइकली कंपाउंड्स हिट्रोसाइकली कंपाउंड्स उन्हें बोला जाता है जिस रिंग में एक हीट्रो आइटम लगा हो पिरीडिन में रिंग में नाइट्रोजन लगा होता है पायरोल में एन एच फ्योरन में रिंग में ऑक्सीजन होता है थायोफीन में कार्बन की जगह सल्फर होता है सो so, इस तरह के क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें हिट्रो एटम्स लगे हों उन्हें हीट्रोसाइकली कंपाउंड्स बोला जाता है